राजस्थान के अलवर जिले के किशनगढ़बास और खैरतल में नगर पालिका चुनावों का बिगुल बज चुका है। सर्वे के आधार पर होगा टिकट वितरण, जिताऊ उम्मीदवारों को चुनाव में उतारेगी कांग्रेस, ऐसा कहना है विधायक दीपचंद खेरिया का। कस्बे के खैरतल रोड पर स्थित महावर धर्मशाला में नगर पालिका किशनगढ़बास क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक कार्यशाला विधायक दीपचंद खैरिया और चुनाव प्रभारी प्रकाश गंगावत की मौजूदगी में संपन्न हुई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए विधायक दीपचंद खैरिया ने कहा कि आने वाले नगर पालिका चुनाव में योग्य उम्मीदवारों का चयन सर्वे के आधार पर किया जाएगा, जिसमें जिताऊ उम्मीदवार को पार्टी सिंबल प्रदान करेगी। सबों की सड़कों में सहयोग साझेदारी करिए, सारे सड़क सही बननी चाहिए और सबों के बिना भेदभाव के, कोई भेदभाव नहीं, उन लोगों में जो हमारे पक्ष में है नहीं है, सबों में एक साथ रखिए। इस मौके पर कांग्रेस नेता मोहम्मद कासिम मेवाती ने कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों को जोरदार भाषण दिया। अगर आप अपना मान सम्मान लेना चाहते हैं तो आपको पहली परीक्षा ये देनी पड़ेगी कि आपको नगर पालिका खैरतल और किशनगढ़वास में कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनाना पड़ेगा, और दूसरी परीक्षा ये देनी पड़ेगी कि दोनों पंचायत समिति में आपको अपनी पार्टी का प्रधान बनाना पड़ेगा। जब जाकर के किशनगढ़वास विधानसभा क्षेत्र में जब आगे कई भविष्य में आपको जी बात देखते हैं कि हमारा विधायक मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, तो ये राजनीति की उनकी पहली परीक्षा है। प्रभारी प्रकाश गंगावत ने कहा कि हर चुनावों की तरह नगर पालिका चुनावों में भी एक सीट पर अनेकों दावेदार खड़े हैं, ऐसे में पार्टी जिसको भी टिकट दे उस प्रत्याशी का अन्य कार्यकर्ता भी बिना भेदभाव के कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें और पार्टी का बोर्ड बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। कांग्रेस पार्टी में अनुशासन सर्वप्रिय है। विकास की बात है, उसके लिए हमारे पूर्व वक्ताओं ने सबने बता दिया कि किशनगढ़ में जो विकास के कार्य इस शासनकाल में हुए हैं वो कभी शायद पहले नहीं हुए। इस विकास की कड़ी को अगर अपन को आगे ले जाना है और ज़्यादा विकास करना है तो किशनगढ़ में कांग्रेस का सभापति अपन को बनवाना है। इसके लिए आज से ही कमर कस लेनी है अपन सब लोगों को। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समाज सेवी एवं कांग्रेस नेता दौलत भारती ने कहा कि सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मनमुटाव भुलाकर पूरी तरह से नगर पालिका चुनाव की तैयारी में जुट जाएं, आपकी जीत ही पार्टी की जीत होगी, पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनाना ही हमारा लक्ष्य है। कांग्रेस धर्म निरपेक्ष देश है, आज कहते हैं कांग्रेस ने 7 साल से क्या किया, उसने एक महिला देखा तो व्हाट्सएप बोल रही थी, मोदी जी की शक्ल देखने लायक थी, क्या बोल रही थी, मोदी जी जिस हवाई जहाज बैठ के घूमते हो ना वो नेहरू का बनाया हुआ है। किशनगढ़वास नगर पालिका क्षेत्र में 25 वार्डों के लगभग 80 प्रत्याशियों के आवेदन आए हैं, इतने ही आवेदन पूर्व में किशनगढ़ स्थित विधायक कार्यालय में जमा हो चुके हैं। कार्यशाला को पूर्व बीईओ जसवंत आर्य, जिला राजमिस्त्री मजदूर यूनियन के अध्यक्ष धीरू भाई, पत्रकार दौलत भारती, शिवचरण गुप्ता, उमेश यादव, कासिम मेवाती, गिरीश डाटा ने संबोधित किया। आपसे मतलब बुला करके एक पार्टी के लिए, एक हमारी कांग्रेस पार्टी है, यही हमारी सब कुछ है, इसकी स्वागत खा करके जो विधायक जी और प्रभारी जी कांग्रेस पार्टी का निर्णय हो, एक आधे को टिकट दे, उस सबको गिलासी को भरा करके उस कैंडिडेट की मदद करनी चाहिए, उसे जिताना ही हमारी जीत है। कार्यशाला के बाद ब्लॉक अध्यक्ष बीपी सुमन ने सभी आए हुए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का मंच संचालन राजेंद्र सिंघल ने किया। सभा में सोशल डिस्टेंस बनाकर एक एक दावेदारों ने आकर विधायक और प्रभारी को अपना बायोडेटा सौंपा। इस अवसर पर कांग्रेस की महिला और पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे। किशनगढ़बास से मेवात टाइम्स के लिए विजय सिंह की रिपोर्ट। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।